Okay, gee, so good morning, namaste, sat sri akal. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. मतलब इस बालकनी में मैं जब खड़ा होता हूँ ना, आई नो मैं एंड भी यहाँ से करता हूँ, कभी कभी शुरुआत भी यहाँ से करता हूँ, बट यार देख लो ना नज़ारा एक बार, लाइक हाउ कैन समवन नॉट स्टे हियर। और यहाँ एक्चुअली रेल पटरी है नीचे, तो वो ट्रेन भी जाती रहती है, आवाज़ आती है। सो चलो, ये हो गई बातें। आज का प्लान ये है कि पहले एयरपोर्ट जाएंगे, वील ड्रॉप मतलब माय फ्रेंड ऑफ, शी इज़ हेडिंग टुवर्ड्स बैंगलोर राइट नाउ, और उसके बाद देखते हैं आज का दिन कैसे कंटिन्यू होता है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा हम लोग एंड फेज ऑफ हैदराबाद चल रहा है, तो छोटा वेकेशन था, फील हुआ वेकेशन जैसा। तो या चलते हैं, वील हेड ऑफ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई कीप यू गाइस अपडेटेड एज ऑलवेज। चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ओके, घर से निकलते ही कुछ दूर आते ही हम लोग रुके हैं शाग हाउस, और यहाँ मतलब ये शायद फेमस है किसी चीज़ के लिए, बिरयानीज एंड शॉर्मा। तो पिक करते हैं, फिर एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से कहाँ जाएंगे ये पता नहीं, इसके लिए व्लॉग में जुड़े रहिए, बने रहिए। वेदर क्लाउडी होते हुए आज घर जाके टाइम लैप्स भी निकालेंगे। कतई, और मतलब रास्ता जो है ना इतना क्लीन लगा ना, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था मैं इंडिया में चला रहा हूँ। लिटरली द हैदराबाद सिटी इज वेरी वेल मेंटेन्ड एंड वेरी क्लीन रोड, मतलब एयरपोर्ट का रास्ता ही ऐसा लग रहा है मैं बाइक लेके आऊँगा किसी दिन इधर, मज़ा आ जाएगा। चलो अभी वी हैव ड्रॉप्ड हर एंड वील गो टूवर्ड द हाउस, या पता नहीं कहाँ, इतना खाना है, सुबह से कुछ खाया नहीं, उठने के बाद से चलते हैं। बहुत ही टेस्टी, मज़ा आ गया। अपन कभी एयरपोर्ट रोड पे रुक के ओके तो हम लोग एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूर आए, टूवर्ड्स आर हाउस ओनली, पर दिस इज़ द पुणे हाईवे, मतलब यहाँ से हम लोग पुणे के लिए निकलेंगे जब भी निकलेंगे। और एक रिम झिम ढाबा बोल के है भाई, तो ये मतलब पकोड़े वकोड़े और ये सब चीज़ के लिए फेमस है, तो फैमिली है तो भाई ये सब के लिए रुकना पड़ता है। और अभी आप लोग देखोगे एक बहुत ही प्यारा सा मतलब सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में, खूबसूरत सा, तो टाइम लैप्स लगाते हैं और बस यार आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। बीन मोर देन एन आर हियर, 5:32 हो रहा है शाम का, और सनसेट बहुत ही प्यारा हो रहा है, मतलब आप देख लो एक बार कि आप खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है। बहुत दिनों बाद मैंने एक्चुअली बादल देखे हैदराबाद में, नहीं तो बादलों का कुछ सीन नहीं, अरे फॉग हो रहा है क्या कैम्प, बादलों का नहीं तो कुछ सीन नहीं था ऐसे, बट बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं, और क्या खूबसूरत दिख रहा है, लाइक मतलब देख लो यार क्या खूबसूरत है ये चीज़। चलो अब इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग घर ही जाएंगे, और बाकी का व्लॉग देखते हैं, घर जाके कुछ मिलता है तो बना लेंगे। ओके जी, तो कते ही दो दिन बाद कैमरा उठा रहे हैं अपन फिर से। आज 31st की नाइट है, ऑलमोस्ट शाम का 6:53 हो रहा है, ऑलमोस्ट 7 ही बज गए, और यहाँ सोसाइटी में थोड़ा डेकोरेशन वगैरह हो रखा है, वो देखने जा रहे हैं हम लोग। एंड कल हम लोग निकल जाएंगे पुणे के लिए,
फर्स्ट को, तो बस अलविदा कहते हुए 2021 को और 2022 को फुल पॉजिटिविटी से शुरू करेंगे अपन, कुछ सारी चीज़ें नेगेटिव पीछे छोड़ के। और अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या डेकोरेशन हो रखा है भाई, और दिखाते हैं आप लोगों को भी। ओके, कतई पीछे आप देख सकते हो फेयरवेयर लगा हुआ है, वहाँ तो अपन जाएंगे नहीं क्योंकि गाने बज रहे हैं, और देर विल बी नो पॉइंट ऑफ गोइंग देर, फालतू कॉपीराइट पड़ेगा भाई। एक तो पहले थोड़े दिनों बाद, बहुत दिनों बाद मेरा चैनल थोड़ा सा मामूली सा ग्रो हो रहा है, मुझे कोई रिस्क लेना नहीं है अभी फ़िलहाल। और आप देख सकते हो ना, ये जो पूरा एक्चुअली सोसाइटी का जो बाउंड्री है ना, ऐसे लाइट्स लगा रखे, फुल आवारा है। मतलब मेरे को दो दिन से मैं कतई नींद मार रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल था पूरा एफ्ड अप था, कभी भी सो रहे हैं कभी भी उठ रहे हैं, तो दो दिन इतना अच्छे से सोए हैं कि एकदम फ्रेश है। अभी 31 फुल धूमधाम से मनाएंगे हम लोग। ओह माय गॉड, ज़्यादा हो गया क्या? बट हाँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ऐसे वॉक करते हुए। मैं इतने मतलब 6 दिन हो गया, बट मैं पहली बार ऐसे वॉक करने आया हूँ। हेलो मम्मी। हाय। मम्मी के साथ वॉक कर रहे हैं अपन, और चलो देखते हैं आगे होता है क्या, देखते हैं कुछ खूबसूरत मिलता है तो आप लोगों को भी दिखाएंगे ज़रूर। काफ़ी बैलेंस्ड ईयर गया है इन टर्म्स, मतलब 50% बैड 50% गुड, क्योंकि अराउंड मेरे को लगा है क्योंकि मैंने लद्दाख कर लिया यार, तो मेरे हिसाब से इट वाज अ वेरी गुड ईयर। बहुत सारे अकम्पलिशमेंट्स किए अपन ने 2021 में। आई हैव बीन लकी इन 2021, बट टॉकिंग अबाउट द मतलब होता है ना एनवायरमेंटल स्टैटिक्स, उधर अपन हक दिए क्योंकि कोविड गया नहीं, अभी भी लॉकडाउन में अपन फंसे हुए हैं। पर काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है अभी कि लॉकडाउन में, लॉकडाउन हैज गॉट अस एडिक्टेड टू स्टे एट होम्स एंड वॉच लाइक ये OTT प्लेटफॉर्म, तो जो बूस्ट गया ना भाई, कतई बहुत ही तगड़ा बूस्ट हुआ है OTT प्लेटफॉर्म, नो डाउट। सब लोग लिटरली बड़े बड़े स्टार्स आर रिलीजिंग देयर मूवीज ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स, तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से लॉकडाउन हैज बीन पॉजिटिव फॉर सम पीपल, वेर एट द सेम टाइम इट हैज़ बीन नेगेटिव फॉर सम पीपल। फॉर मी एज अ पर्सन टॉकिंग, 2021 हैज़ बीन अ वेरी प्रोडक्टिव ईयर इन, मतलब मैं बहुत चीज़ें सीखा हूँ, लोगों को समझाऊँ कि वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, एंड देन दे जस्ट फक, थोड़ा सा भी आपको रिलेटेबल लग रहा हो तो। आई हैव गेन मेनी पीपल, आई हैव मतलब ट्रैवल प्लेसेस, और पता नहीं, मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखी यार कि अगर आपकी गलती हो तो एक्सेप्ट करके बस ख़त्म करो बात, और ज़्यादा कुछ मतलब बढ़ाओ नहीं। ओके, ज्ञान की बात है, अपने को सूट होती नहीं तो अपन करेंगे नहीं। तो अभी प्लान ऐसा है कि अभी केक वेक ऑर्डर हो चुका है, हम लोग जाएंगे रात को एक ड्राइव पे, वहाँ 2021 मनाएंगे, ना कि ये बिल्डिंग में बैठ के। तो बस मतलब फील आ रहा है अब, लास्ट डे आज अपना 2021 का भी और हैदराबाद में भी, सो इट विल बी काइंड ऑफ अ वेरी पॉजिटिव स्टार्ट, क्योंकि हम लोग कल ट्रैवल कर रहे होंगे और 2022 का पहला दिन ही बॉस ट्रैवल होने वाला है, तो इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है। चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा शाम को या रात को, जब हम निकलेंगे ड्राइव के लिए। लाइटिंग वाइटिंग देखेंगे, आई विल शो यू गाइस अराउंड हैदराबाद कैसा दिखता है, और यहाँ 2020 मतलब न्यू ईयर के क्या सीन्स है। ओके जी, तो अपन फाइनली निकल चुके हैं, 11:40 हो रहा है, केक अपन ने ले लिया है, गाड़ी की चाबी भी अपन ने ले ली है, कतई ये गाड़ी लेके जा रहे हैं अपन फॉर्चुनर हमेशा की तरह। बस देखते हैं कहीं भी मिलेगा, रास्ते पे काटना है, घर पे नहीं काटना, ये बना चुके थे अपन, गाड़ी में बैठते हैं और लोकेशन पे मिलते हैं, कहीं भी रुकेंगे। ओके जी, तो फाइनली लास्ट मिनट ऑफ 2021, हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच तो नहीं पाए, बट आप देख सकते हो 11:59 ऐसे रास्ते में, कतई रास्ते में रोक दिया हम लोग ने गाड़ी, और पता नहीं अभी क्या होने वाला है। केक कट करते हैं और मैं कैम को ऊपर प्लेस कर देता हूँ। भाई 12 बज गया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे चाकू किधर है? वो डब्बे में। भाई वो निकालो अंदर से।
गाइस दिस इज व्हाट हैपेंस इन आवर न्यू ईयर चाकू 12 बज चुके हैं फाइनली हो चुका है और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि 2021 में आप लोगों ने जितना भी सपोर्ट किया सच्ची अच्छा लगा बहुत और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना वीएस व्लॉग्स को आगे बढ़ेंगे और ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं हैप्पी न्यू ईयर सबको टुमारो आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स पुणे बैक अगेन जैसे मैंने कहा ईयर का फर्स्ट डे और फर्स्ट डे ही ट्रैवल तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना और ज़्यादा ट्रैवल होने वाला है अपनी ज़िंदगी में So with that said, thank you very much for watching this video. As always, this is Vikrant Saxena signing off. Bye bye. Like, share, subscribe. Abhi to tok da yaar. See you guys tomorrow on the roads and yeah. Bye bye.